मैं हूं आपकी दोस्त अनुपमा और आप सभी देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम और एस्ट्रोलॉजी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेहत के बारे में। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप पानी भी पियो तो टॉनिक बन जाता है, पर अगर आपकी सेहत खराब है तो टॉनिक का भी असर नहीं होता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? हम सभी के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बीमार होना आजकल आम बात हो गई है। फिर चाहे आप कितने भी पैसे कमाएं, कोई भी खान पान करें, कुछ भी कर लें, अगर आपकी सेहत खराब है तो किसी और चीज़ में ना ही आपका मन लगेगा और ना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या ऑरा आपकी सेहत से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है? क्या ऑरा की मदद से आप अपनी सेहत भी ठीक कर सकते हैं? क्या ऑरा के पास लाइलाज बीमारियों का कोई इलाज है? इन सभी सवालों का जवाब आज मिलेगा आपको इस एपिसोड में। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद है हिंदुस्तान के सबसे पहले और एस्ट्रोलॉजर गुरु सुशील श्री जी। सुशील श्री जी, स्टूडियो में आपका बेहद बेहद स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, गुरु सुशील श्री जी स्टूडियो में आ चुके हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है, अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका समाधान आप पाना चाहते हैं, या आपके परिवार में किसी को कोई शारीरिक रूप से कोई भी समस्या है जिस सवाल का जवाब आप चाहते हैं, तो आप हमें आपकी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और गुरु जी से सीधे बात कर सकते हैं। तो गुरु जी, सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है कि अक्सर देखा गया है कि परिवार में लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को लाइलाज बीमारी हो गई है, या फिर बीमारी आम है लेकिन कितना भी इलाज कराओ उनको कोई समाधान नहीं होता या उनको उससे रिलीफ नहीं मिलता है। तो ऑरा इससे कैसे जुड़ा है और कैसे ऑरा से वो लोग रिलीफ पा सकते हैं? यहाँ पर मैं जो देखता हूँ अक्सर भी कि अधिकतर जो एक व्यक्ति घर का ठीक हुआ बीमारी से हटा तो दूसरा बीमार पड़ गया, ये अक्सर ऐसा होता ही है। ऐसे में घर की वास्तु, कई बार मैंने देखा है वास्तु खराब होने के कारण भी ऐसा होता है। घर की ऑरा एनर्जी बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों का ऑरा होता है। और वास्तु पे हम एक स्पेशल एपिसोड करने वाले हैं दर्शकों, तो आप देखना मत भूलिएगा जी। तो यहाँ पे क्या है कि घर की जब एनर्जी लेवल खराब हो जाता है तो घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहना शुरू कर देता है। और आप देखते हैं कि कई बार दवाई देते रहते हैं तो उसका असर नहीं होता। सही बात। और कीमती से कीमती दवाई, यानी कि सस्ती वाली दवाई, कीमती से कीमती दवाई। सही बात है। और कई बार तो मैंने देखा लोग विदेशों से मंगाते हैं उस दवाई को यूज करने के लिए, असर नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ऑरा में कई बार ग्रे कलर की एनर्जी ज़्यादा आ जाती है या ब्राउन कलर की ज़्यादा आ जाती है, या कई बार तो दोनों कलर एक ही बार इकट्ठे आ जाते हैं। तब इकट्ठे जब एनर्जी ऐसी आती है तो लाइलाज बीमारी हो जाती है, तो जिसका कोई भी निवारण नहीं हो पाता। तो पहले क्या कि उन कलर के हिसाब से हमें अपने आप को उस व्यक्ति को बचाना होता है, उसको प्रोटेक्शन समझ लीजिएगा, एक टाइप से हम लोग प्रोटेक्शन टाइप दे देते हैं और उनको हीलिंग में डालते हैं कि हीलिंग करवाएं। तो पहले ऑरा को बेस्ट करते हैं, चक्रों को बेस्ट करते हैं। जब ऑरा खराब होता है तो सबसे पहले चक्र ही खराब होने शुरू हो जाते हैं। चक्र में 7 चक्र होते हैं, 7 में से किसी के 2 खराब हो गए, 3 खराब हो गए, और चक्र हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। और ऐसे में क्या होता है, चक्र क्लॉकवाइज ना चलकर या तो रुक जाते हैं कई व्यक्तियों के, या एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देते हैं। तो उस समय बीमारी जब एंटी क्लॉक होना शुरू हो जाता है तो बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं कम होने की बजाय। ऐसे में दवाई असर ही नहीं करेगी, चाहे आप कितनी कीमती और कॉस्टली दवाई ले आएँ। यहाँ पर क्या है कि हीलिंग का प्रोसेस जब दिया जाता है तब व्यक्ति के सारे चक्रों को मेंटेन किया जाता है, ऑरा को मेंटेन किया जाता है, कलर हटाए जाते हैं, अच्छे पॉजिटिव कलर लगाए जाते हैं जिनको उनको अच्छा लगे, और ताकि वो जल्दी से जल्दी बेहतर रिजल्ट ले सकें। साथ में हम अपनी तरफ से एक संस्थान में एक विशेष प्रकार की औषधि बनाई है, ऐसे बोलते हैं औषधि स्नान। लोग तो दवाएं खाते हैं, आपने देखा होगा होम्योपैथी एलोपैथी इन सबको लेते हैं, मगर हम खिलाते ही नहीं हैं। हम आयुर्वेद से के सिस्टम से विशेष औषधि बनाई हुई है, ऐसे बीमार व्यक्तियों को हम नहाने के लिए सजेस्ट करते हैं, खाएं नहीं और हीलिंग प्रोसेस में डाल दें अपने आप को। हीलिंग या तो सीख लें या हीलिंग करवा लें, इससे क्या होगा कि उनको उससे बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाता है। और डेली नहाना होता है, कम से कम 1 से 3 महीने तक नहाना पड़ता है। उसमें खिलाते कुछ नहीं हम, कि कोई सोचता है ना व्यक्ति कि मैं कड़वी दवाई क्यों खाऊं? जी जी, यो तो ना कड़वा है ना कुछ है। आप स्नान करें, अपना जो
नेगेटिव पॉइंट है वो हट जाता है और आपको बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं उससे। गुरुजी, इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं बीमार हूँ लेकिन मैं तुरंत डॉक्टर तक नहीं पहुँच सकती, या डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ लेकिन मैं आप तक अगर पहुँचना चाहूँ, जैसे हमारे दर्शक आपसे इलाज कराना चाहें, तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? वो तो ऐसा है कि जो हमारे नंबर हैं उन पर तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, परंतु क्या कि उस समय में हम लोग जो उनको हेल्प करते हैं उनसे फ़ोटो ले लेते हैं और डिस्टेंस की हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे आप फोटो दे सकते हैं, जी जी जी, ठीक है, या अगर मेल पे भेज सकते हैं, या फिर आप कई लोगों के पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता या व्हाट्सएप नहीं है तो उन लोगों को कहते हैं बाय पोस्ट भी आप भेज दीजिए। अच्छा, तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मान लीजिए वो अपने घर पे हैं, वो बीमार हैं, अब उनको अपनी बीमारी का इलाज आपसे चाहिए या तुरंत अगर इलाज कराना है तो वो आपको फोटो भेज दें और आप फोटो डिस्टेंस हीलिंग करेंगे। डिस्टेंस हीलिंग मतलब यहाँ बैठे बैठे आप उनकी सेहत वहाँ ठीक कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि क्या कर वो क्या हो कि उसमें हम लोग हीलिंग से ऑरा को मेंटेन करते हैं, ऑरा को सिस्टम को सेट करते हैं, साथ साथ चक्रों पे और जो पर्टिकुलर जो बीमारी आ गई है उस पे भी वर्क करके हील करके उसको हटाना शुरू कर देते हैं। तो गुरुजी, फोन का सिलसिला शुरू हो गया है, अगर आप इजाजत देते हैं हम फोन ले लें। हेलो। हेलो जी, ऑरा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिला भट्टाचार्य। जी जी। तो शिला जी, क्या सवाल है आपका और साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइमिंग भी हमें बताइए। 25 जुलाई है। 25 जुलाई, जी, वो ईयर नहीं बता पाऊंगी। लगभग एज कितनी है आपकी? 50। हाँ जी, हाँ जी, 50 है। और क्या सवाल है आपका शिला जी? ये मेरा सवाल यही है कि मेरे शरीर के लिए मैं कुछ जानना चाहती हूँ, हर्निया के लिए। थोड़ा मेरा वो दिक्कत ये आ रही है, हो जाता हर्निया। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे क्या है कि शीला जी, इस समय भी जो आपकी ऊर्जा जो चल रही है, देखिए आपके ऑरा को जो मैं देख पा रहा हूँ उस समय में, जो आपका इनर ऑरा है वो ऑरेंज कलर का जी, आउटर जो है वो रेड कलर का, और अल्फा है वो भी ऑरेंज कलर का, परंतु इस समय जो एनर्जी लेवल जो चल रहा है वो आपका वायलेट और ग्रे कलर, दो कलर ऐसे चल रहे हैं जो कि वो रोगों को बढ़ाते हैं, कम नहीं होने देते, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहूँगा, एक तो येलो कलर का रुमाल अपने पास रखें। अच्छा। और यहाँ पे हम लोग, मैं आपको एक सजेशन साथ में ये भी देना चाहूँगा, येलो कलर का, जैसे आप ध्यान वगैरह कुछ करते हैं आप? हाँ जी, करते हैं। जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, आँखें बंद कर कर बैठना है मेडिटेशन के रूप में, 15 मिनट से 30 मिनट का, और उस समय में अपने इमेजिन में आपने ये कोशिश करनी है कि आपके थर्ड आई पर येलो कलर की एनर्जी घूम रही है, येलो कलर को, और पूरे शरीर में उसे उतरता हुआ महसूस करना है, और पर्टिकुलर उस अंग पर जाते हुए देखना है जहाँ पर आपको वो तकलीफ है, और उसमें देखना है कि साथ ही साथ वो येलो कलर की रोशनी उस जो अंग आपका खराब है या परेशानी आ रखी है वो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो रहा है। तो येलो कलर, मैं मतलब फील करूंगी येलो कलर से। हाँ, येलो कलर से। और कोशिश करें कि रोज करें और रात के समय में करें, सोते समय में। अच्छा जी। बेड पर लेटकर ही करें। कितना मिनट करना है? मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स, ठीक है? अगर करते हुए में नींद भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कारण क्या है कि सारी रात उस एनर्जी का फ्लो आपके पूरे शरीर पर रहेगा, आप खुद देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक जरूर कहना चाहूँगा, एक बार के लिए आप काले नमक से जरूर नहा लेंगे, काला नमक लेना है, कम से कम 100 ग्राम, हाँ जी, काला नमक 100 ग्राम ले लीजिएगा, आधी बाल्टी पानी में उसे डालकर पूरा मिक्स करना है, और सिर समेत नहाना है और पूरी बॉडी को रब करते हुए, और जहाँ पर जो आपका अंग जो क्षतिग्रस्त है उस पर विशेष रूप से मलना है, और जब वो पानी ख़त्म हो जाए तो साफ पानी से आपको नहाना है शैम्पू साबुन लगाकर बाद में, ताकि वो नमक का सारा असर हट जाए। एक ही बार यूज करना है, दोबारा इसका यूज नहीं करना है काले नमक का। गुरुजी किस दिन? ये आप संडे का दिन यूज कर सकते हैं या वेडनेसडे के दिन यूज करिएगा। वेडनेसडे या संडे? या संडे को, दोनों में से एक दिन चूज कर लीजिएगा, उस दिन आप नहा लीजिएगा, ऐसा करिएगा, फिर हमारे संस्थान पर आप कॉन्टेक्ट करके बता दीजिएगा, तो मैं सुविधा अनुसार आपसे, मैं पर्सनली आपसे बात भी कर लूंगा। थैंक यू शिला जी, इतने सिंपल टिप्स से आपकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो रही हैं। आई एम श्योर आप इन्हें फॉलो करें और आपको रिजल्ट मिले हमारे शो में कॉल करने के लिए। थैंक यू। अच्छा जी, नमस्ते।
तो दर्शकों, अगर शीला जी की तरह आपका कोई भी सवाल है जो आप गुरु जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। और साथ ही अगर आप घर बैठे उपचार पाना चाहते हैं तो आप ऑरा प्लस फाइल भी मंगा सकते हैं, ये पर्सनलाइज्ड फाइल है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत धार्मिक किस्म के इंसान हैं और एक ही धर्म को फॉलो करते हैं तो गुरु जी की ऑरा प्लस फाइल स्पेशलाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड है। तो आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं या जो भी जिस शहर में आप रहते हैं या जो भी आपकी विचारधारा है उसके हिसाब से ये ऑरा प्लस फाइल बनाई जाती है, ताकि आप पूरे दिल से इसे फॉलो कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। तो अगर आपको ऑरा प्लस फाइल मंगानी है या गुरु जी से बात करनी है, आपको बस इतना करना है कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उस पे हमें कॉल करना है। गुरु जी, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जो क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त हो तो आप उसे क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, कुछ तो उनका खान पान का चेंज कराते हैं, सारे एटीट्यूड चेंज कराते हैं, ऑरा के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग कि उनको उनके जो बाई बर्थ का जो ऑरा एनर्जी है उनके अनुसार वो जब चेंज करते हैं तो जो क्रॉनिक डिजीज़ में जो उनमें भी क्या होता है, कई बार दवाई लगती नहीं है और डॉक्टर तो मना ही कर देते हैं कि अब हमारा हाथ इससे आगे नहीं काम कर सकते हम लोग। तो अभी लेटेस्ट में भी है, दिल्ली में एक क्लाइंट है जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया, पैरालिसिस अटैक हो रखा था और एक लास्ट स्टेज पे छोड़ दिया कि इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग उठ नहीं पा रही थी और बेड पे ही थे और एक बंदा उनके लिए छोड़ दिया गया कि बस वो सेवा करते रहे। तो मगर उन फैमिली वालों ने क्या किया कि हमसे रेकी हीलिंग करवानी शुरू करी, बताया, बातचीत हुई, सारा चीज़ों को समझा, हीलिंग करी। मात्र 11 दिन की हीलिंग में, वो आप जाके मिल भी सकते हैं, 11 दिन की हीलिंग में उनके लेफ्ट पैर में मूवमेंट आ गई, हाथ भी हिलना शुरू हो गया। और आज की डेट में ये है कि मैंने उनको, उनके फैमिली मेम्बर को, उनकी वाइफ को ही उन्होंने रेकी भी सीखी, वो कोर्स सिखाया हमने, और आज की डेट में उनके जो हस्बैंड हैं वो बोल पा रहे हैं। क्या बात है। वहाँ तो डॉक्टर ने तो हॉस्पिटल से भेज ही दिया था कि इससे ज़्यादा हमारा ट्रीटमेंट ही नहीं है, अब तो बस जो चल रहा है आप साथ में और जो थेरेपी यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। गुरु जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो प्लीज इजाजत दीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, ऑरा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मैं अपनी बेटी के बारे में बोल रहा था, सुची आर्यन। सुची आर्यन जी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइमिंग बताएंगे प्लीज? 14 अक्टूबर 1975 और टाइम है 10:40 PM। 10:40 PM। हाँ जी जी। तो क्या पूछना चाहते हैं आप? वो डिप्रेशन में है पिछले 20 साल से, स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है उसको, बहुत वायलेंट हो जाती है जी जी, कुछ कर नहीं पाती, नींद नहीं आती। और अभी पिछले 7-7.5 महीने से तो ट्रीटमेंट चल रहा है गुरुजी का। हाँ जी, तो गुरुजी आपको समाधान बताएंगे। ऐसा है कि सुची जी के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि इनकी जो इनर हो रहा है वो पिंक कलर की है, आउटर हो रहा है इनका रेड कलर का है और अल्फा हो रहा है ऑरेंज कलर का है। पत्री में इनका सन खराब है, चेक करा लीजिएगा। और साथ ही साथ शुक्र पे असर खराब आया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि कुछ ग्रे कलर की एनर्जी अभी भी चल रही है, वो रहेगी करीब अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद से नवंबर में जाके आप पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जो भी नेगेटिव असर है, जैसे जोर से बोलना, चिल्लाना, घर वालों को डराना, ऐसा भी तो हो रहा होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि उसके ऊपर आप नेगेटिविटी दूसरे तरीके की मान के चलिए, वो जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। एक तो समय बहुत हो गया, 20 साल आप बता रहे हैं जैसे, तो ये 20 साल का मतलब है कि हर 7 साल बाद बॉडी ही, पूरा शरीर ही चेंज हो जाता है, तो है तो 3 बार वो परिवर्तन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी थोड़ा सा भी आपको रुकना पड़ेगा, बर्थडे के पास से चेंज आना शुरू होगा। यहाँ पर इतना जरूर है, इनकी बीमारी को हटाने के लिए आप फिलहाल इनके बेड के पास कपूर एक कटोरी में रख के छोड़ दीजिएगा, सिर की तरफ होना चाहिए कपूर, साथ में एक टुकड़े को जलाकर भी घुमाना है और मेन गेट पर जाके छोड़ देना है। अच्छा, ठीक है। उसे ना राख भी नहीं बचती कपूर की, तो ठीक है, मेन गेट पे छोड़ देंगे, उससे कहोगे कि जो नेगेटिव असर है वो बाहर चला जाता है। तो एक तो ये करिएगा, साथ ही साथ इनके जो कपड़े हैं उनके जो कलर हैं उनको यूज में, जो से कलर है वो यूज़ नहीं करवाने हैं। एक तो ग्रे कलर, ब्राउन कलर,
ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये कपड़े इन कलर को हटवा दीजिएगा इस समय। कोशिश करें कि येलो, क्रीम कलर, येलो या क्रीम कलर या रेडिश कलर में, जैसे ऑरेंज कलर ले सकते हैं इस समय, प्योर रेड नहीं लेना अभी आपको, ठीक है, इन कलर का यूज करवाएं। और साथ ही साथ इनके बेडरूम में आप एक येलो कलर का बल्ब जलाएं आधा घंटा, जिस रूम में सोते हैं उस रूम में, जहाँ पे बेड जिस दिशा में लगाया है उसके अपोजिट कर दो, उस बेड को चेंज कर दो। अच्छा, बेड को वहाँ से उस स्थान परिवर्तन दे दो, यानी कि अगर आपने वेस्ट में लगा रखा तो ईस्ट में कर दो बेड को। जैसे स्थान बदलेंगे और जहाँ से वो बेड हटाएंगे आप, वहाँ पर एक जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे पहले नमक का पोछा लगाना, ठीक है, और जिस स्थान को खाली किया है आपने वहाँ पर बाद में नमक का पोछा लगा देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वहाँ की जो पावर है, नेगेटिव पावर, वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ये आप करिएगा और फिर एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग एंड हम चाहेंगे, हम विश करेंगे कि आपकी बेटी सुची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हमारे शो पे फोन करने के लिए थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। तो गुरु जी, खान पान कितना इम्पोर्टेंट है सेहत में, या फिर किसी तरीके से खान पान और ऑरा भी जुड़ा हुआ है? एक तो फास्ट फूड आ गया हमारी लाइफ में, सबसे बड़ी बात, ठीक है, जंक फूड सारा मान के चलिए। दूसरा, हम लोग सुबह बनाते हैं शाम को खाते हैं, दो दो दिन तक वही फ्रिज में रख दिया, वो चीज़ें चलती रहती हैं, मगर उसमें बैक्टीरिया वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जो उसकी एक प्राण शक्ति है, जैसे एक उसकी जो जो उसकी जो पावर है वो हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, वो तो डेड हो गई, वो तो हमारे लिए तो बेकार है, मगर हम खा रहे हैं, सिर्फ पेट भर रहे हैं। उसकी जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए शरीर को, वो नहीं मिल पाती, इस वजह से भी हम लोग बीमार होना शुरू कर देते हैं। तो गुरु जी, इससे पहले कि हम आज का एपिसोड ख़त्म करें, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये जो खान पान हम खाते हैं, इसमें कैसे वो पॉजिटिव एनर्जी एकदम भर दें हम, कि हम स्वस्थ रहें, लाइक टिप ऑफ द डे। हाँ, यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए, आप अपने खाने को चार्ज करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने हाथों को कम से कम 21 या 31 बार जोर से रब करना है, रगड़ना है। रगड़ने के बाद इस तरह से, जैसे भगवान से आप कुछ मांग रहे हैं, हे भगवान मेरे हाथों में शक्ति दें ताकि मैं अपने खाने को घर परिवार के सुख शांति के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं उसे चार्ज कर सकूं, इस तरह से करके आप प्रे करें। प्रे करने वाले जिस भी धर्म से जुड़े हैं, उस धर्म के अनुसार अपने ईष्ट देवी देवता को आवाहन करें, कॉल करें, उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से रखें खाने के ऊपर, या आपने जो सब्जी बना ली है, जो खाना बना लिया है उसके ऊपर 5 मिनट्स के लिए, साथ ही साथ प्रे भी करते रहें, और अपने इमेजिन में, अपनी कल्पना में ये ध्यान रखें कि आपके ऊपर से गोल्डन कलर की एक लाइट आ रही है, गोल्डन कलर, और वो आपके हाथों से निकलकर उस खाने को चार्ज कर रही है। 5 मिनट बाद उस अपने हाथ को हटाएं, इस तरह से मुट्ठी बंद करें, फूंक मार के उस एनर्जी को ब्रह्मांड में वापस छोड़ दें, और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करें, वो खाना, उसकी तासीर कुछ अलग ही होगी। क्या बात है। और फिलहाल के लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे गुरु जी, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आने के लिए, इतने सारे इम्पोर्टेंट टिप्स और जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आप भी इस शो में फ़ोन करना चाहते हैं, आप फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, आपका कॉल नहीं लगा, और शो के बाद आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं, या शो के बाद आप ऑरा प्लस फाइल मंगाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है ऑरा प्लस फाइल में आपको मिलते हैं शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक व आर्थिक समस्याओं के उपाय, साथ ही इस समय चल रही समस्याओं के उपाय, चक्रों और ग्रहों की जानकारी, 5 सालों की, 60 महीनों की और 1 साल की प्रतिदिन की प्रेडिक्शन, साथ ही राजयोग और कष्ट योग की संपूर्ण जानकारी। इतना ही नहीं, ऑरा प्लस फाइल के साथ आपको मिलता है अपने ऑरा कलर के अनुसार क्वार्ट्ज लॉकेट बिल्कुल फ्री। इस यूनिक ऑरा प्लस फाइल को प्राप्त करने के लिए आपको भेजना है सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए, हमारे नंबर्स हैं 011-4562-2222, 09811-751-745। हमारी ईमेल आईडी है aurayog@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.auraastrology.com। अच्छी सेहत और पॉजिटिव एनर्जी जो ऑरा की शक्ति से और भी स्ट्रांग हो जाती है।
इस विषय में और भी कई नए विषयों में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप करिए हमारा इंतजार और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।